100 में से 99% लोग इसी बात को लेकर है कि भाई इंस्टाग्राम पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा, पहले हम लोग को बहुत अच्छा व्यूज मिला और अब भी बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? सबसे पहला बात तो ब्रो, आपने कोई ऐसा कम्युनिटी को ब्रेक किया जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने आपको रीच देना बंद कर दिया? शुरू में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इंस्टाग्राम की तरफ से ना, और अभी बिल्कुल भी लाइक व्यूज नहीं आ रहा। ये सेम केस मेरे साथ भी हुआ है। अब कम्युनिटी ब्रेक किया, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले कि व्यूज क्यों नहीं आ रहा, ये सही कैसे होगा, और अगर तुम इस चीज को सही से समझ लेते हो ना तो भाई धीरे धीरे तुम्हारा व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजर रहा हूँ। तो हम दोनों सब साथ में स्टार्ट करें, फ्री है, बस मेहनत लगेगा, गुदा में दम है तो तैयार रहना, ठीक है? फिर इस टाइम पर इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बना रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम का खुद दिमाग हिला हुआ कि हम किसका वीडियो वायरल करें। एल्गोरिथम थोड़ा सा कंफ्यूज है भाई कि हम किसका रील्स वीडियो वायरल करें, तो इसलिए इंस्टाग्राम का नजर में आने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बना रहे हैं। इंस्टाग्राम ना भाई यहाँ पर ही बहुत चालू है, और इसी चालू का चक्कर में हम लोग मार खा जाते हैं, और ये चीज तो मेरे को अच्छा तरीके से समझ में आ गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए रील्स अपलोड करना नहीं छोड़ूंगा, ये हम लोग का सबसे बड़ा गलती है। व्यूज नहीं आता, हम लोग बोलते हैं भाई रील्स अपलोड नहीं करेंगे, जाओ छोड़ो, व्यूज नहीं आ रहा, रील्स अपलोड नहीं करेंगे, बट ये सबसे बड़ा भूल है हम लोग का भाई, वहीं पर ही हम लोग मार खा जाते हैं। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम ना आपको शुरू में बूस्ट देगा, रील्स देगा। अब पहले का जाकर मैं रील्स देखना, और तुम लोग भी अपना रील्स देख लेना, शुरू में तुमको काफी अच्छा व्यूज मिला होगा, हर वीडियो में 5,000, 10,000, लाखों में किसी का भी व्यूज गया होगा, बट अभी उनके वीडियो में 500-600 व्यूज भी सही से नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने रील्स अपलोड करना ही छोड़ दिया था, बीच में व्यूज नहीं आ रहा था। तो ये सबसे बड़ा गलती था आपका, आपने खुद से अपना उंगली काट लिया। वैसे तो मैंने भी उंगली काट ली अपना, एक महीना रील्स अपलोड नहीं करके पूरा का पूरा रीच ही डाउन हो गया। शुरू में इंस्टाग्राम आपको बूस्ट देगा, ठीक है, हर वीडियो में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 व्यूज आएगा, फिर धीरे से ना आपका रीच डाउन हो जाएगा। ये चीज आप खुद नोटिस करना, क्योंकि वहां पर इंस्टाग्राम आपको देखता है कि इस बंदा को हमने शुरू में व्यूज दिया और इसको अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है, अब देखते हैं ये बंदा काम करता है कि नहीं। अगर तुम रेगुलर स्टार्ट रहते हो, 3 से 4 महीना व्यूज नहीं आ रहा तब भी तुम रील्स अपलोड करते हो, तब इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लगता है कि नहीं भैया ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसका रील्स को वायरल करना चाहिए, वो रील्स को तुम्हारा डिग वायरल कर देगा। और यहीं पर हम लोग मेहनत कर, यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। 1-2 महीना तो दूर का बात है, 10 दिन हम लोग रील्स सही से अपलोड नहीं करते, और ये चीज खुद हमारे अंदर भी है भाई, 3 दिन रील्स अपलोड करेंगे 4 दिन छोड़ देंगे, सबसे बड़ा गलती है। बट मैं रील्स उतना अपलोड नहीं करता क्योंकि मैं आईफोन का चक्कर में, आईफोन लेने के बाद ही मैं अपना एनर्जी वेस्ट करूंगा। बट इस मंथ आईफोन भी आ जाएगा और शायद DSLR भी आ जाएगा, क्योंकि क्वालिटी मेरे को देना, टेंशन मत लो। तुम क्यों टेंशन लोगे, टेंशन तो मेरे को ही कैसे लेना है। तो ये व्यूज वाला प्रॉब्लम को सही कैसे करे भाई, व्यूज फिर से कैसे आएगा, शुरू से फिर व्यूज कैसे आए, जैसे शुरू में सारा वीडियो में व्यूज आता था, फिर से वीडियो में व्यूज कैसे आएगा? तो ये चीज मेरे साथ 2 से 3 महीना, कभी कभी तो 1-1 महीना में सही हो जाता है, अभी तो 10 दिन हुआ ही है, 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, सॉरी 2-4 दिन ही हुआ होगा स्टार्ट किए, रेगुलर रील्स पोस्ट कर रहा हूं मैं, तो देखते हैं कब तक सही होता है। तो रेगुलर तुम रील्स पोस्ट करो जितना हो सके, 10, 12, 20, 25 रील्स पोस्ट कर दो, बट उतना भी मत कर देना जो भाई कुछ भी उन पड़ाक डाल दे रहे। एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ रील्स अपलोड करना, 6 भी अपलोड करोगे तो चलेगा, एक क्योंकि जब तुम रेगुलर काम करना स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे तुम खुद देखना तुमको व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात मैं बता कर थक गया हूँ, बट व्यूज नहीं आ रहा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी बहुत सारे लोग रील्स वीडियो बना रहे हैं, तो इसी में थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी कंफ्यूज है कि भाई हम किसका रील्स वीडियो वायरल करें। तो इसलिए आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करना, आप खुद पे खुद इंस्टाग्राम का नजर पे आ जाओगे। और आप ये चीज कैसे चेक करोगे कि आप इंस्टाग्राम का नजर में हो कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा आपका मैक्सिमम रील्स पे कितना व्यूज आता है। अगर 400-500 आता है और बीच में वीक में मंथ में किसी भी वीडियो में 10,000, 20,000 या 5,000, 2,000 भी व्यूज आ जाता है, तो समझो आप इंस्टाग्राम का नजर में हो, बस खाली आपको कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हो जो आपका ऑडियंस दिखना चाहता है। आप अगर वो कंटेंट अपलोड करोगे और आपका ऑडियंस मैच कर जाएगा ना, तो इंस्टाग्राम उस रील्स को आगे भेज देगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाओ, एनर्जी थोड़ा सा वेस्ट करो भाई, जहाँ पर एनर्जी वेस्ट करने का है वहाँ पर एनर्जी वेस्ट करो, फालतू जगह में एनर्जी वेस्ट मत करो। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लाइक केयर एंड बाय बाय।